गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आप जुड़ गए हमसे, हमारे चैनल से, आरपी पब्लिक स्कूल जोगीढेर से। कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। लेकिन आज प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज बहुत ही विशेष, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज है गांधी जयंती और साथ ही साथ हमारे देश की बहुत महान शख्सियत जिनका नाम माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी आज जन्मदिवस है और गांधी जी का भी आज जन्मदिवस है, उनको गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो सारे बच्चों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी सज्जनों को आज के इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी मतलब की बात। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम आपको पता है कि इस चैनल पर हम बहुत सारी वीडियो डालते हैं और यहाँ तक कि बड़े क्लासेस के, इंटरमीडिएट है, हाईस्कूल है, यहाँ तक एक कंपटीशन लेवल की भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगी, इंग्लिश की, मैथ की, सारे सब्जेक्ट की। तो बने रहेंगे हमारे साथ, अपने चैनल के साथ में। और आज हम आपको लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर सी कहानी, क्योंकि आज बहुत विशेष दिन है, गांधी जयंती है। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम आपको लेकर आए हैं गांधी जी के कुछ संबंध में, गांधी जी के बारे में। आपने सुना होगा गांधी जी के तीन बंदर, है ना? सुना है, उम्मीद है सुना होगा। तो उन तीन बंदर की एक चैप्टर है आपके छोटे क्लास के, हमारे क्लास, स्कूल के छोटे क्लास के बच्चों की किताब में, जिसका नाम है थ्री मंकीज ऑफ गांधी जी। थ्री मंकीज ऑफ गांधी जी एक पोएम है छोटी सी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। गांधी जी ने बताया था, तीन बंदर तो एक कल्पना है, लेकिन उन्होंने बताया था कभी हमें बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए और बुरा नहीं सुनना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था। तो तीन बंदर बताए गए, एक मूंछ बंद किए हुए है, एक कान बंद किए है, एक आंखें बंद किए है। ये हमें बातें दर्शाती हैं कि हमें बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए, बुरा बोलना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए, हमें उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उससे दूर रहना चाहिए। कहीं बुरा हो रहा है तो जिन चुपचाप चले आए यार, उसको समझाना चाहिए, उसको बताना चाहिए, ऐसा नहीं भी ऐसा करना है, ये गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है, ये समझाना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो ये सब बातें इस पोएम में बताई गई हैं, बहुत ही सुंदर पोएम है। तो हम आपको पढ़ाएंगे ये पोएम, बहुत ही सुंदर पोएम। जैसे कि अभी हमने बताया कि आज गांधी जयंती है, गांधी जी के तीन बंदर के बारे में, तीन महत्वपूर्ण जो उनके संदेश हैं उनके बारे में हम इस पोएम के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। चलिए आइए पढ़ लेते हैं अब बुक। चलिए प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी हम बता रहे थे आपको कि आज गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, इसी उपलक्ष्य में हमने गांधी के तीन बंदरों की जो कहानी आपने सुनी होगी, वो अंदर भी देखे होंगे, कहीं ना कहीं उनकी चित्र देखे होंगे या कहीं ना कहीं उनकी पत्थर की मूर्तियाँ वगैरह देखी होंगी, तो उनमें एक संदेश छिपा हुआ है। वो इस कविता, इस किताब की एक जो पोएम है थ्री मंकीज ऑफ गांधी जी, उसमें थोड़ा बताया गया है, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अपने चैनल के साथ में, आरपी पब्लिक स्कूल जोगीढेर में, और हम आपको समझाते रहेंगे अच्छी अच्छी बातें और साथ ही साथ इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस पोएम को पढ़ना। किताब है अत्यंत सीरीज की इंग्लिश रीडर, क्लास सेकंड की बुक है, छोटे क्लास की बच्चों बुक है। और कितनी सुंदर इसमें बात, कितनी अच्छी बात, कितनी प्रेरणादायक बात इस कहानी में, इस पोएम में बताई गई है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम का पढ़ना। ये आगे बच्चों पोएम, लेसन नंबर थर्ड, थ्री मंकीज ऑफ गांधी जी, यानी कि थ्री माने तीन, मंकीज माने बंदर, ऑफ माने के गांधी जी माने गांधी जी, यानी कि गांधी जी के तीन बंदर, गांधी जी के तीन बंदर। ये तो को ये कहानी, ये चित्र दिख रहे होंगे आपको, एक मुंह बंद किया है, एक आंखें बंद की है, कान बंद किए है। इनसे हमें कुछ शिक्षा मिलती है, केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए सब बताया गया है, कल्पना की गई इस तरह की। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि कोई भी हम जो भाषा है उसको ज़्यादा समझने के लिए, ज़्यादा उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसके जो मीनिंग्स हैं शब्दकोश, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा इसके जो वर्ड मीनिंग है, जिसको हम शब्दकोश कहते हैं, थोड़ा उस पर नज़र डाल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, चार पाँच हैं, ज़्यादा नहीं है, आराम से आपको याद हो जाएंगे। सारे बच्चे उंगली रख लेंगे जिनके पास भी ये बुक है, खोल लें बुक अपने जहाँ भी बैठे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों देखिए, शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग। तो पहला वर्ड लिखा रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। रॉन्ग माने होता है गलत, रॉन्ग मीन्स क्या होता है? गलत। फिर लगा बच्चों CSEE, सी माने होता है देखना, सी मीन्स होता है देखना। फिर लिखा है लिसन, LISTEN, लिसन, लिसन माने होता है सुनना, हेयर माने सुनना होता है। फिर लिखा है नेवर, NEVER, नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। तो ये तो इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग हैं, शब्दार्थ हैं, शब्दकोश है, आपको याद हो गया, आपने इसमें कई एक सुने भी होंगे, हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। चलिए अब पढ़ लेते हैं ये पोएम, बहुत ही सुंदर पोएम है, बहुत ही ज्ञान बहुत ही ज्ञानवर्धक पोएम है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाली पोएम, बहुत ही सुंदर पोएम। देखिए सारे बच्चे उंगली रख लेंगे जहाँ भी आप बैठे हैं, वो किताब आपके पास बुक है, कोई भी स्कूल की बुक, अगर ये वाली आपके बुक में ये वाली अगर स्टोरी है, ये वाली पोएम है,
तो उसको निकाल लेंगे, समझेंगे। चलिए देखिए, पढ़ते हैं। लगा यू वांट टू सी एनी थिंग यू सी, यू वांट, यू माने आप, वांट माने चाहते हैं, टू सी माने देखना, यू माने आप वांट चाहते हैं, टू सी देखना, यानी कि आप देखना चाहते हैं। एनी थिंग माने कुछ भी, यू सी आप देखते हैं, आप जो भी देखते हैं, आप देखना चाहते हैं, आप देखते हैं। बट नेवर सी और रॉन्ग टू सी, बट लेकिन, बट माने लेकिन, नेवर कभी नहीं, सी माने देखना या देखो, लेकिन कभी मत देखो। और रॉन्ग टू सी, रॉन्ग माने गलत, टू सी माने देखना हो, अगर आपको कोई चीज़ देखनी है तो गलत कभी मत देखो, यानी कि अच्छा अच्छा देखिए। कभी ने कभी का कहना है गांधी जी के बारे में, गांधी जी के विचार हैं कि यू वांट टू सी आप देखना चाहते हैं, एनी थिंग यू सी, एनी थिंग कुछ भी या कोई भी चीज़ यू सी आप देखते हैं, आप देखना चाहते हैं जो कुछ भी आप देखते हैं। बट नेवर सी, लेकिन वो चीज़ कभी मत देखो, और रॉन्ग टू सी जो देखने में गलत हो, यानी कि जो गलत चीज़ है उसको कभी मत देखो। देखो आगे अगला विचार क्या है, यू वांट टू से एनी थिंग यू से बट नेवर से और रॉन्ग टू से। कितनी सुंदर बात इसमें लिखी है कवि ने, यू वांट आप चाहते हैं, टू से माने कहना, आप कहना चाहते हैं एनी थिंग कुछ भी, यू से तुम आप कहते हैं, आप कहना चाहते हैं जो कुछ भी आप कहते हैं वो कहना चाहते हैं। लेकिन, बट माने लेकिन, नेवर माने कभी नहीं, इसे माने कहिए, लेकिन ऐसी बात कभी मत कहिए और रॉन्ग टू से जो कहने में गलत हो। नेवर रॉन्ग माने गलत, टू से माने कहना, क्योंकि जो बात कहने में गलत लग रही है, जो दूसरे को गलत लग रही है आपकी बात, वो बात आप कभी मत बोलिए। आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए, कुछ भी बोलिए, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन, बट माने लेकिन, नेवर से ऐसी बात कभी मत बोलिए, अभी कभी मत कहिए और रॉन्ग टू से जो कहने में गलत लगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, यू वांट टू लिसन एनी थिंग यू लिसन बट नेवर लिसन रॉन्ग टू लिसन। यू वांट आप चाहते हैं, टू लिसन माने सुनना, एनी थिंग माने जो कुछ भी, यू लिसन आप सुनते हैं, यानी कि आप सुनना चाहते हैं जो कुछ भी आप सुनते हैं, जो कुछ आप सुनते हैं वो सुनना चाहते हैं। बट नेवर लिसन, लेकिन, बट माने लेकिन, नेवर माने कभी नहीं, लिसन माने सुनिए या सुनना, लेकिन ऐसी चीज़, ऐसी बात कोई मत सुनिए और रॉन्ग टू लिसन जो सुनने में गलत हो। रॉन्ग टू लिसन का मतलब होता है गलत चीज़ मत सुनिए, गलत बात मत सुनिए, यानी कि किसी की जैसे कोई बुराई है, किसी के बारे में कोई ईर्ष्या वाली बात है, भड़काऊ वाली बात है, ये सब गलत बातें हैं, तो ये हमें कभी नहीं सुनने चाहिए। गांधी जी के जो तीन बंदर वो हमें यही संदेश दे रहे हैं कि हमें जो कुछ भी देखना चाहते हैं हम देखें, लेकिन गलत ना देखें। हम जो भी कहना चाहते हैं कहें, लेकिन कभी गलत ना कहें। हम जो भी सुनना चाहते हैं सुनें, लेकिन कभी गलत बात ना सुने। कितनी अच्छा इसमें संदेश है कवि ने हमें दिया, गांधी जी के विचारों को इस पोएम के रूप में लिख कर हमें पेश किया। उन कवि के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस पोएम को इस बुक में रखा है, और बहुत ही सुंदर इसमें जो कवि हैं उन्होंने अपनी बात गांधी जी के बारे में पेश की है। देखिए हमें बच्चों ये सीखना चाहिए कि हमें कभी बुरा नहीं सुनना चाहिए, बुरा देखना नहीं चाहिए, कभी बुरा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में भद्दी बातें कर देते हैं, कभी कभी एक दूसरे को गाली दे देते हैं या चिढ़ाने वाली बातें कर देते हैं, है ना। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए बच्चों, हमें इस किताब से, इस पोएम से सीख लेनी चाहिए। आज के बाद हम उम्मीद है आप प्रमोश करेंगे कि आप कभी ना तो गलत देखेंगे, ना कभी गलत सुनेंगे, ना कभी बुरा कहेंगे। हमें पूरी उम्मीद है हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे देश के बच्चे, तो आज से आप इन बात पे गांठ बांध लेंगे, अर्थात मन में बैठा लेंगे कि हमें ऐसा काम नहीं करना है जो गलत हो। तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये पोएम अच्छी लगी होगी, और आगे हम और ऐसी अच्छी अच्छी पोएम, अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी किताब के जो चैप्टर हैं वो लेकर आते रहेंगे आपके लिए, और आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें सिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, अपने चैनल के साथ में, आरएफ पब्लिक स्कूल के साथ में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को खूब शेयर कीजिए से और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिले और बच्चे भी कुछ ना कुछ सीखें, और इससे आपको भी पुण्य मिलेगा कि आपने अच्छी बात कहीं ना कहीं तक पहुंचाई। अगली वीडियो तक बच्चों हमारे साथ बने रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।